हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम आज पढ़ेंगे कि एटम्स क्या है एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आज अपने वीडियो में एटम्स के बारे में बताऊंगा, और एटम की डेफिनेशंस कहाँ से आई है और एटम्स के टू लॉज क्या हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी नाउ। सबसे पहले यहाँ पे ये महर्षि कणाद का चित्र दे रखा है आपके सामने। इंडियन फिलोसोफर थे सबसे पहले पुराने। देन रीड, एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जिसको कहते हैं पदार्थ, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। तो महर्षि कणाद कहते हैं कि अगर हम किसी मैटर को, पदार्थ को डिवाइड करते जाएं उसके स्मॉलर फॉर्म में, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हम छोटे से छोटे कण उसके पार्टिकल्स प्राप्त करेंगे। एंड देन अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी, वहां पर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलेगा। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल, इससे आगे इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलेगा, उससे आगे डिविजन पॉसिबल नहीं है, और उसका नाम दिया गया है, ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स परमाणु। कुछ एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैं, ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस वो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने सजेस्ट किया कि सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो ये जो डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस हैं, ये भी महर्षि कणाद की तरह कहते हैं कि जब हम मैटर को डिवाइड करते जाए तो आगे फर्दर उसमें डिवीजन नहीं होगा। डेमोक्रेटिस कॉल दिस इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। डेमोक्रेटिक्स ने इस तरह के इंडिविजुअल अदृश्य जो पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया एटम्स। एटम्स का मेन मीनिंग है इंडिविजिबल, जो आगे विभाजन योग्य नहीं है, आगे उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इंडिविजिबल पार्टिकल्स। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी के बीच में पता लगाया, एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन। तो 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने ये डिफरेंस पता किया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का, और ये भी पता लगाया कि कैसे, हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइंस, एलिमेंट्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, और क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन, जब वो जुड़ जाते हैं तब क्या होता है, ये पता लगाया 18th सेंचुरी के एंड में। ये है एंटोनी एल लिवोजियर, एंड ये है जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दो साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। द टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपीरियंस बाय लिवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? नंबर पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। तो आज हम अभी इन दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो मास के बारे में, व्हाट इज द मास, हर एलिमेंट्स का
अलग अलग मास होता है, उसका द्रव्यमान होता है, जिसको हमने केजी या किलोग्राम के हिसाब से भी कहते हैं उसको, और केमिकली हम इसको अलग फॉर्म में देखते हैं। तो मास की नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नोर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो पहले हमारा नियम है, फर्स्ट लॉ ये है कि मास है वो नेदर बी क्रिएटेड, वो न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को नया मास जनरेट नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट, और नोर डिस्ट्रॉयड और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो, मतलब केमिकल रिएक्शन तो पता ही है कि एलिमेंट्स के आपस में मिलने से वो जो तो एलिमेंट्स हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन में मास का न तो क्रिएशन होता है न डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो उसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। 23.1, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई केमिकल्स। एक्स, ये तीन सेट से हमारे सामने, इनमें से तीनों में से कोई भी एक सेट लेना है। पहला सेट है कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम, सेकेंड बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम्स एंड सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम्स एंड लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम एंड सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। तो ये सब ग्राम्स में इसका मास लिया गया है और फिर इनका वेट करना है और रिएक्शन आगे करनी है। देन प्रिपेयर सेपरेटली ए 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस। इन तीनों में से कोई भी एक पेयर का सब्सटेंस लीजिए आप और उसका 5% सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है ना, अंडर 10 ml इन वाटर। तो पानी कितना लेना है, 10 ml। फिर टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन ए कॉनिकल फ्लास्क। तो वाई को हमने हमें लेना है कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर में, सॉल्यूशन ऑफ वाई ये कॉनिकल फ्लास्क में है, ठीक है। एंड सम सॉल्यूशन ऑफ, इस इग्निशन ट्यूब में सॉल्यूशन लिया है हमने एक्स, एक्स सॉल्यूशन इस ट्यूब में हमने भरा है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। फिर इस इग्निशन ट्यूब को यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमने हैंग कर दिया है, लटका दिया है फ्लास्क के अंदर। सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। तो हमें ये देखना है कि अभी ये सॉल्यूशन इसमें मिक्स नहीं हो, डू नॉट मिक्स, इसमें आपस में मिक्स नहीं हो। पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क, और यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉर्क लगाई गई है फ्लास्क के ऊपर। कॉर्क क्यों लगाई है, कॉर्क इसलिए लगाई है कि जब इस एक्स और वाई के बीच में जब भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो, तो जो कुछ भी बने, चाहे गैसेस भी क्यों नहीं बनती हो, वो इस फ्लास्क से बाहर नहीं जाए, इसलिए कॉर्क लगाकर पूरा इसको हमने सील पैक कर दिया है। नाउ वेट द फ्लास्क, फ्लास्क को वेट करना है इन कंटेंट्स केयरफुली। अब इनका वजन लेना है, इस पूरी फ्लास्क का वजन लेकर वेट करके। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स्ड। तो इस फ्लास्क को हमें इस प्रकार से इसको टिल्ट एंड स्विल करना है, मतलब इतना तेजी से हिलाना है, इसको घुमाना है कि इसके अंदर के एक्स और वाई जो सॉल्यूशन है वो आपस में मिक्सअप हो जाए। वेट अगेन, उसके बाद में हमें वापस से उसका वेट करना है। अब वेट में कितना डिफरेंस आया ये हमें चेक करना है। तो हम देखते हैं कि इन द रिएक्शन फ्लास्क केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन होती है, देयर इज सम प्रेसिपिटेशन, कुछ पीछे प्रेसिपिटेशन बनता है फ्लास्क में, फॉर्मड इन फ्लास्क। वी शुड पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क बिकॉज ए नो मेटेरियल एस्केप आउट ऑन सीलिंग। तो जब हम सीलिंग करते हैं तब कॉर्क इसलिए लगाया है कि उसमें से कोई भी किसी प्रकार का मटेरियल फ्लास्क से बाहर नहीं जाए, और उस केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन बनेगा। बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स आर द सेम। तो हमने जब वेट किया तो ये रिजल्ट निकला कि बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, पहले और बाद में, रिएक्शन के बाद में द मास, जो मास था फ्लास्क का वो क्या रहा, सेम। जो कंटेंट्स थे उसके अंदर, जो मिले हुए पदार्थ थे, उनका
उनका जो मास है वो सेम रहा, ये रिजल्ट निकला। तो इससे ये लॉ बनता है, लॉ फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो उसमें न तो मास क्रिएट किया जा सकता है न उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है स्थिर अनुपात। स्थिर अनुपात में वो आपस में एलिमेंट्स मिक्स होंगे, तो ये हम देखें सबसे पहले इसकी बात करते हैं। लिवोजियर जो जिसका फिगर हमने आगे देखा था, लिवोजियर अलोंग द अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। लिवोजियर्स ने ये नोटेड किया कि जो कंपाउंड्स हैं वो टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं, उनसे कंपोज्ड होते हैं। एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ऐसा भी कंपाउंड्स हो, हैड द सेम एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट सेम होंगे और सेम प्रोपोर्शन होगा। यहां पे मेरा मतलब है कि जो कंपाउंड्स हैं, जो जैसे स्पेशल अब एग्जांपल की बात, एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, यहाँ पे लिवोजियर ने क्या कहा कि नोटेड द मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जैसे हम एक कंपाउंड की बात करते हैं, वो कंपाउंड हम लेते हैं H2O, ये एक कंपाउंड है ना। अब ये कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स के मिलने से बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिक्स होने के कंपाउंड्स बना। अब ये कंपाउंड्स यहाँ कह रहा है कि इस कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स। अब H2O, अब कहीं से भी H2O लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा, तो उसमें एलिमेंट्स तो यही रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कोई नया एलिमेंट तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बारिश के पानी से वाटर है उसका एलिमेंट्स और अलग होंगे, और हमने समुद्र से सी वाटर लिया उसका एलिमेंट्स अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। एंड हैव द सेम प्रोपोर्शन, मतलब उनका अनुपात भी सेम रहेगा। अनुपात जैसे दो टू हाइड्रोजन होंगे और वन ऑक्सीजन होगा, तो ये इसमें सेम रहेगा। चाहे कहीं से भी उसका सोर्स कहीं से भी हो, वाटर अगर लिया है तो उसमें टू टू हाइड्रोजन मिलेंगे और वन ऑक्सीजन मिलेगा, तो इस प्रकार से उनका प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा, ठीक है ना। तो वेयर द कंपाउंड कम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर्ड इट, कहां से ये कंपाउंड्स आया है और किसने भी ये कंपाउंड्स बनाया है। अगर वाटर का कंपाउंड्स है तो उसमें एलिमेंट सेम रहेंगे और एलिमेंट्स का भी अनुपात है, जैसे इसमें 2:1 आ रहा है इनका अनुपात, ये भी सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे वो, ठीक ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे H2 का एक एग्जांपल है और उसके मास के प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल दिया गया है, रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ मास की बात करते हैं, तो मास का रेशियो भी सेम रहेगा। जैसे हम देखते हैं वाटर का, वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, ये रेशियो है हाइड्रोजन का मास टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के मास है, इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। तो पानी का सोर्स जो भी हो, तो यहाँ हम देखते हैं ये H2O, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड थे H2O में, कितने हैं, टू हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार से ये आया है। और इसका हम सिंपलाइज करते हैं तो 1:8 दस, तो ये 8 और 1 कितने हो गए, 9, तो ये 9 ग्राम की बात करते हैं। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज्ड, अगर 9 ग्राम वाटर को हम डीकम्पोज करें, देन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। दिस लीड्स टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस व्हिच इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट, ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लीड्स टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट ने इस लॉ के बारे में कहा कि इन ए केमिकल सब्सटेंस
किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं, मास के एक डेफिनेट मतलब निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में पढ़ा कि 1:8 ही आएगा, चाहे वाटर का मॉलिक्यूल हम कहीं से भी लें यही रेशियो आएगा। आगे बात करते हैं हम जॉन डाल्टन फिगर है उनका। जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मैटर के नेचर के बारे में उन्होंने बेसिक थ्योरी दी, वो केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड थी। उन्होंने एटम नेम लिया एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम। और जॉन डाल्टन ने भी कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो एटम्स हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एंड एलिमेंट्स ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो डाल्टन ये कहते हैं कि मैटर कोई भी हो, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे वो कंपाउंड्स हो, या फिर चाहे वो मिक्सचर्स हो, तो वो सभी के सभी एक स्मॉल पार्टिकल से बने हैं जिसको कहते हैं एटम। तो ये थ्योरी है डाल्टन की। तो इन थ्योरी को हम इसको पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी का नंबर 1 पॉइंट है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सभी मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं, उनको एटम्स कहते हैं, विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मतलब भाग लेते हैं। तो किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में जो जो सब्सटेंस भाग लेते हैं पार्टिसिपेट करते हैं वो है एटम्स। एटम्स ही आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपस में केमिकली जुड़ेंगे और वो केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, और सबसे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये एक एटम का है चित्र है। तो एक एटम में जो चीजें होती है, ये एटम का न्यूक्लियस है अंदर वाला रेडियस, और ये है एक बाहर का रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में चक्कर लगाते हैं, और जो न्यूक्लियस है बीच में उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रकार का सभी एटम्स में इसी प्रकार की संरचना होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी में कम किसी में ज्यादा होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा भी कम ज्यादा होती है। तो इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आधार पर एटम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये एटम का एक और फिगर है आपके सामने। तो दूसरा लॉ देखते हैं, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, उसका आगे डिवाइड नहीं होगा, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जो न तो बनाए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन में। तो किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन करें, एटम्स को न तो बनाया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता, वो आपस में अलग अलग फॉर्म में जुड़ जाएंगे और नया जो सब्सटेंस है वो बनेगा। तो ये कुछ एटम्स के हिसाब से, ये लिक्विड के एटम है, ये भी एटम्स है, ये एटम्स सॉलिड में जिस प्रकार से आपस में जुड़े हैं उसका एक फिगर है आपके सामने। और सेकेंड ये पॉइंट कहता है कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो किसी भी एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स दिया गया है उसके जो एटम्स हैं उसका मास एक तो आइडेंटिकल होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। मतलब जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटम बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, यूनिक है, वो आइडेंटिकल है उसके जैसा। जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी बताएगा वो ऑक्सीजन एलिमेंट्स नहीं बताएगा, और ऑक्सीजन एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी बताएगा वो अदर दूसरी कोई हाइड्रोजन क्लोरीन है ना सोडियम वो नहीं बताएगा। तो हर एलिमेंट्स की अलग यूनिक आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और उसका अपना एक आइडेंटिकल मास होता है। ये लॉ ये कहता है
फोर्थ पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, तो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स डिफरेंट मास रखते हैं, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने अभी इसी पॉइंट में देखा। अब डिफरेंट प्रॉपर्टी यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है मैंने कि ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं उसका ये एटम्स का फिगर है, इसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन को अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यह बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को देखो आप 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, बस इतना ही है। तो इस हिसाब से उसका मास भी डिफरेंस होगा, उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह अलग है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फोर्थ पॉइंट कहता है। अब फिफ्थ की बात करते हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर। एटम्स हैं वो स्मॉल वॉल नंबर में इसके रेशियोज में आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड्स बनाने के लिए स्मॉल वॉल नंबर्स के रेशियो में वो कंबाइन होते हैं। जैसे ये बात करते हैं ऑक्सीजन, ये कंपाउंड्स हैं, ये अलग कंपाउंड्स हैं, उनका फिगर है, ये कंबाइन होते हैं, ये आपस में उनकी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग हो रही है, ये एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ आपस में जुड़ गया है और दूसरे एलिमेंट्स इसके साथ जुड़ गए हैं। इस प्रकार से वो एक रेशियो, एक निश्चित अनुपात में वो जुड़ते हैं। नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड्स में रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, मतलब स्थिर होंगे। मतलब कितने एक तो कितने एलिमेंट्स आपस में होंगे, कितने एटम्स आपस में होंगे और उनका किस प्रकार के वो एटम्स होंगे वो भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होंगे। तो ये लोग कहता है नंबर फाइव, नंबर सिक्स, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स इन एटम आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं तो टू हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन मिलके ये रिएक्शन बताई गई है, केमिकल रिएक्शन की, कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो इसमें देखिए आप ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े, तो ये कॉन्स्टेंट रहेंगे इसके नंबर। H2O में हाइड्रोजन के नंबर भी कॉन्स्टेंट रहेंगे और ऑक्सीजन का नंबर भी कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं अपने अगले वीडियो में लाऊंगा। देन सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर